चंबा का जन औषधि केंद्र 6 बजे के बजाय 8 बजे तक खोला जाए, ये निर्देश केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चंबा मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के उपरांत दिए। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान पूरे अस्पताल का दौरा कर मरीजों व उनके तीमारदारों से अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। निर्देशित किया गया है कि जैसे जो जच्चा वार्ड है तो डिलीवरी के बाद में जो है ना, एक वार्ड पर 2 बहनें एक पलंग पर लेटी हुई थी, तो बोला गया है कि एक पलंग पर 2 बहनों को मत रखा जाए, अलग अलग उनको जगह उपलब्ध कराई जाए। दूसरे वार्ड में अगर जगह है तो वहाँ पर उसको जगह दी जाए। बच्चों के वार्ड में भी जो है ना, वहाँ पर साफ सफाई रखी जाए। और महिला वार्ड में जो है, महिला वार्ड में जो टॉयलेट है, टॉयलेट रूम में सफाई जो है ना पूरे समय रखी जाए, क्योंकि वार्ड में टॉयलेट में अगर सफाई नहीं रहेगी तो गंदगी के कारण पेशेंट स्वस्थ होने के बजाय बीमारियां लेकर जाएगा। दवाइयों की बात आई है, कुछ पेशेंट ने बताया कि दवाइयां बाहर से लेना पड़ रही हैं, तो डॉक्टर्स को बोला गया है कि अपने पास जब सारी दवाइयां उपलब्ध हैं तो वही दवाइयां लिखी जाएँ जो यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, दवाइयों की कमी नहीं है। और मेडिकल स्टूडेंट महोदय ने एश्योर किया है कि डॉक्टर्स को बोलेंगे कि यहाँ जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वही दवाइयाँ पेशेंट को लिखी जाएँ। और सफाई के बारे में निर्देशित किया गया है कि सफाई व्यवस्था को जो है चौकस किया जाए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।